अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। याकूतपुर असेंबली हलके के बद्दी डिवीजन आयर सदन में संकेसर बाजार के पास एक प्रोजेक्ट का बड़ा काम, जिसका इफ्तिताह आज से 6-8 महीने पहले मैं किया था, वो काम चल रहा है, लेकिन अब तीन चार महीने से काम रोक दिया गया। ये बस्ती से जो नाला जा रहा है, ये बस्ती के लोगों को 4 महीने से जाने आने के लिए रास्ता बंद हो गया, तकलीफ बहुत है। आज सुबह में यहाँ से एक फ़ोन आया मुझे कि यार रात को एक बच्चा स्लिप हो गया था, मोहल्ले वाले बचा लिए, फिर वो आने के लिए बताए, मैं फौरी आया। ये मुआयना किया, जोनल कमिश्नर के पास इसकी मीटिंग रखेंगे, यहाँ से एक दो आदमियों को बुलाया हूँ मैं 3 बजे, और उनको बात करके इमीडिएट एक काम स्टार्ट करेंगे। अब उनका आंसर ये रहता कि कंट्रैक्टर हड़ताल कर रहे हैं, काम रुका हुआ है। हड़ताल तो थोड़े दिन हुआ शुरू हो, काम तो पहले से रुका हुआ है। हमको काम से मतलब है, हड़ताल का मैटर है वो कॉरपोरेशन तय करे, लेकिन काम इमीडिएट शुरू करे और नॉन स्टॉप करके काम जल्द से जल्द कंप्लीट करे, ये हमारा डिमांड है। फिर मीटिंग में उसके बात करेंगे, और भी यहाँ कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी तो यहाँ के लोग जब भी फ़ोन करेंगे मैं आके उनकी मदद करूँगा, देखूँगा जो करना है बराबर करूँगा, क्योंकि ये गुत्थेदारों का रवैया था, 4-4 महीने काम को रोक देके जाते, घरों के सामने खोद के डाल दिए, घर से निकल नहीं सकते। घर बड़े आदमी कैसा भी चलेंगे, बच्चे अगर निकल के कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेते उसका। यहाँ बच्चा गिरा बोले रात को, ये लोग उठा के बचा लिए उसको, लेकिन अब ये बताऊंगा लोगों के कहीं भी खुदा ना खास्ता हादसा तो पहले पुलिस में FIR करे गुत्थेदार के खिलाफ, उसके बाद उन्होंने काम में तेज़ी पैदा करते। मैं बहुत पूरी कोशिश करके जल्द से जल्द काम शुरू कराऊंगा। अभी आपका याकूतपुरा कांस्टेंसी इतना बड़ा है, कांस्टेंसी के अंदर बहुत कॉलोनियां हैं, ये बॉर्डर को आ गया, ये बिल्कुल बॉर्डर, ये कॉलोनी फार्म हो के इतने सालों हो गए, तकरीबन 60 साल के ऊपर, ये 60 साल से आज तक कौन सा भी रूलिंग पार्टी आने दो, कौन सा भी MLA आने दो, ये कॉलोनी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे। आज आपको इन्फॉर्मेशन देते ही बहुत इमीडिएटली आप आ गए, एक्शन लेने को रेडी है, ये खुशी की बात है, लेकिन ये कॉलोनी का कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं कर रहे। यहाँ कॉलोनी से पहले भी आया हूँ, यहाँ MP साहब अपने बजट से कुछ कामा भी मंजूर कराए, कामा हो रही भी यहाँ पे। मेरी आदत है जहाँ से कम्प्लेंट आता है मैं जाता हूँ, देखता हूँ, काम कराता हूँ। आप इतला करें, अगर आज के बाद आपके जरिए बोल रहा हूँ मैं, कोई भी मुझे कॉल करने दो, मैं आके काम देखूंगा, काम करूंगा। और एक बात है साहब, ये कॉलोनी को कुछ ये वेलफेयर एसोसिएशन का कुछ रूम नहीं है लोगों को कॉलोनी का कुछ मीटिंग करने के लिए। बताइए आप काम बनाना चाहते हैं, बल्दिया से बोल के कराइए, जो भी मसाइल है बोलिए आप, आपके काम में अगर मैं लापरवाही कराते हूँ मेरा कंप्लेंट करिए आप। थैंक यू सर। ఎవరికి చెప్పినారు మీరు? ఒక బార్ మీరు రండి, అక్కడ జునల్ దగ్గర రండి, ఎవరైనా పంపండి, ఎట్లయినా పంపాల, యాత కామ్ హువావు స్లాబ్ పడ గయా, సెంటరింగ్ కే ఆగే జో హై స్లాబ్ పడ గయా। अभी ये 10 फुट अंदर है साहब, ये पाइपलाइन है, वो कलवर्ट बॉक्स है, कल नाइट में पानी ये लेवल को है, RSO वालों को गड़ा है क्या है नहीं मालूम। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के लिए मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़।